इस सवाल में कहा गया है कि एक स्प्रिंग जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर है और वो 5 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड है पूछा गया है कि वर्क डन कितना होगा उसको फर्दर 5 से 15 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने में ये आपका एक स्प्रिंग है ये ब्लॉक है ऑफ मास एम स्प्रिंग इज इस के इसको ऑलरेडी एक्सटेंड किया गया है पांच सेंटीमीटर तक पांच सेंटीमीटर तक यहां पे एक जो मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना वो ये है, जब आपकी कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक्जिस्ट करता है इसका मतलब है अगर मुझे इस ब्लॉक को इस साइड लेके जाना है तो स्प्रिंग पीछे खींचेगा स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में कुछ डन करना पड़ेगा जो डन हमने किया स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में उतने ही अमाउंट के बराबर आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी ब्लॉक के अंदर जब ब्लॉक आपका यहाँ पे होगा तो यहाँ पे उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर क्लियर है अब हमें पूछा क्या गया है हमें पूछा गया है कि पांच से फर्दर आपको पंद्रह सेंटीमीटर तक ब्लॉक को लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वेरी स्लोली बहुत ध्यान से सुनेंगे जब आप इस फोर्स के अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट इसको आगे लेके जाएंगे कुछ डन तो करना ही पड़ेगा जितना आप वर्क डन करेंगे वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है जब भी हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव करते हैं उसका कारण है क्या कारण है स्लोली मूव करने से जो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और जो अंदर वाला फोर्स है दे विल बी ऑलमोस्ट इक्वल और अंदर वाले फोर्स का मैग्नेट्यूड मुझे पता है वो के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स के एक्स तो उस केस में अगर फोर्स नोन है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो वर्क डन निकालना आसान होता है कुल मिला जब भी हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की क्वेश्चन यूज करेंगे तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट स्लोली आगे हम लेके जा रहे होंगे ठीक है यहां से यहां लेके आए हैं तो पहले आप यहां की पोटेंशियल एनर्जी लिख लें यू आई फिर यहां की लिख लें यू एफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन तो आप यहां पे डेल्टा यू निकालेंगे यू एफ माइनस यू आई इट विल बी हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर, हाफ के इज एट हंड्रेड एक्स एफ फाइनल पोजिशन इज फिफ्टीन सेंटीमीटर इनिशियल इज फाइव सेंटीमीटर इसको सोल्व करेंगे हाफ इंटू एट हंड्रेड टू टू फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन टेन थाउजेंड ये हो जाएगा हाफ इंटू एट हंड्रेड टू हंड्रेड वन टू थ्री फोर जीरो दो जीरो यहां से कटेंगी दो जीरो यहां से कटेंगी हाफ यहां से कटेगा आंसर विल बी एट जूल एट जूल इज योर करेक्ट आंसर इस सवाल में नया कॉन्सेप्ट क्या आया है आपको पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ स्प्रिंग आपको निकाल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए ट इज यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर और एक पर्टिकुलर पोजिशन से आप आगे एक्सटेंड करते हैं टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डर